और दोनों रात दिन यही लोग देखते हैं कि किसी तरह का किसी भी तरह का असुविधा न हो। जो भी कस्टमर मेरे पास आए उसको किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। देखिए मेरे पास तीन कैटेगरी का रूम है, जो मीडियम क्लास का भी उसके लिए भी रूम है, 3,000 से 3,500 का रेट में है। हम अभी इस वक्त होटल रॉयल्स बिल्स में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के जो संस्थापक हैं, जो होटल रॉयल्स बिल्स के मतलब ये कह सकते हैं जो संस्थापक हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे तमाम चीज़ के बारे में। क्योंकि देखिए पटना में अब कहीं ना कहीं बहुत डेवलप कर रहा है और तमाम जगहों पर जो अगर आप देखेंगे तो एक से एक कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर होटल का निर्माण हो रहा है और होटल भी है। हम जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले ये बताइए जो किस तरह की फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हैं लोगों को। देखिए हमारे यहाँ जो 5-स्टार होटल में जो फैसिलिटी मिलता है, सारा फैसिलिटी हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं ताकि ग्राहक को किसी तरह का असुविधा न हो। और हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, सारे मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं लोग चाहते हैं कि स्टाफ को जो भी कस्टमर मेरे पास आए उसको किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अगर हम बात करें जो एक साथ में आपके यहाँ कितना फंक्शन हो सकता है, अगर हम ये जानना चाहें तो? एक टाइम में मेरा 3 फंक्शन हो सकता है क्योंकि मेरे पास 3 बैंकेट हॉल है जिसमें कैपेसिटी 250 से 300 आदमी है, आदमी का बैठने का। और एक रेस्टोरेंट भी है जिसमें 60 से 70 लोगों के बैठने की क्षमता है। और 3 बैंकेट हॉल हो गया और 25 रूम है जहाँ पे लोगों के लिए अच्छा रूम है जिसमें 2 आदमी 3 आदमी भी रह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा रूम का साइज है स्टैंडर्ड साइज है, जो भी कस्टमर आते हैं रूम का बहुत तारीफ करते हैं कि अब रूम का साइज बहुत आपका स्टैंडर्ड है। मतलब रूम में जो है किस तरह का जो है रूम का निर्माण किया गया है ग्राहक के दृष्टिकोण से अगर देखें तो? देखिए मेरे पास 3 कैटेगरी का रूम है, जो मीडियम क्लास का भी उसके लिए भी रूम है, 3,000 से 3,500 का रेट में है। और उससे कम रेट का भी है, जो जैसा है कस्टमर, हाई फाई भी रूम मेरे पास है जो अच्छा से अच्छा रेट में भी है, अच्छा सारा फैसिलिटी उसमें हम लोग देते हैं। अगर देखिए अब कहीं ना कहीं अब एक त्यौहार का मौसम शुरू हो गया है, त्यौहार के मौसम में के बाद अब कहीं ना कहीं कई तरह के एंगेजमेंट होती है, लगन या फिर सगाई वगैरह ये तमाम चीज़ें, तो लोगों को कैसे आप रिझाएंगे? क्या अगर लोग आपके यहाँ प्रोग्राम अगर करवाते हैं तो सबसे पहले ये बताइए कितना स्टार तक का भी फैसिलिटी मिल चुका है? देखिए अप्रोक्स 4 स्टार हमको मिल चुका है। और जो भी रिंग सेरेमनी हो, बर्थडे हो, शादी हो, सारे समारोह हम अपना समझ के करते हैं कि मेरे ही परिवार का फंक्शन है, उसमें किसी तरह का कोताही नहीं बरतते हैं। अगर कोई भी ग्राहक अगर कस्टमर हमसे जो चीज़ है माने नहीं भी होता, हम लोग बढ़ा चढ़ा के उसको देते हैं। बहुत तरह की चीज़ है, बहुत ऐसा चीज़ होता है जो कस्टमर उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन हम लोग उसको फुलफिल करते हैं। एक ग्राहक को होता है जो सेटिस्फाइड होना, जो भी चाहे वो रहने के लिए आए, चाहे फिर बर्थडे करे, चाहे फिर प्रोग्राम फंक्शन करे, तो उसको आप कैसे सेटिस्फाइड करते हैं? क्योंकि चीज़ होता है जो अगर मतलब अगर आप छोड़ देते हैं प्रोफेशनल तरीके से तो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं कुछ कंप्लेन भी आ जाती है, तो आप कैसे मॉनिटरिंग करते हैं? देखिए मेरे यहाँ इसी सब कंप्लेन देखने के लिए 2-2 सीनियर मोस्ट आदमी यहाँ पर रखे हुए हैं, एक GM है कि उनके नीचे में है, और दोनों रात दिन यही लोग देखते हैं कि किसी तरह का किसी भी तरह का असुविधा न हो। चाहे कोई भी अगर रूम में चेकआउट करता है तो प्रॉपरली खुद अपने वो लोग विजिट करते हैं, जो भी नीट क्लीन रहते हैं। सफाई के मामला में मेरे अभी होटल का कुछ जवाब नहीं है अभी तक सर, सफाई बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि राज्यपाल जी भी महोदय भी मेरे पास आए थे यहाँ होटल में। कई तरह के प्रोग्राम भी हुए हैं, उन्होंने सर सफाई देकर बहुत खुश हुए और उन्होंने बताया कि भी होटल बहुत साफ सुथरा है और ऐसे ही मेंटेन करके रखिएगा। बहुत कम समय में काफ़ी कुछ प्रोग्राम हो गया आपके यहाँ? हाँ, बहुत थोड़ा एक्टिविटी रहता है, सामाजिक एक्टिविटी है हम लोगों का, और खासकर हम लोग जो भी है पैसा पकड़ते नहीं है, लोगों को सुविधा देते हैं और हर लाइन से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा लगता है कि चलिए भाई इसी बहाने हर लोगों का यहाँ पर जो भी रहता है कि हम जिज्ञासा कि यहाँ पर हम कर लें, तो भाई उनको ऑफर रहते हैं कि ठीक है भाई आप कराइए। रॉयल सिविल से लोग जुड़े हैं जो भी बिहारवासी हैं या वीडियो लोग देखने वाले तमाम जगहों पर, देश के कोने कोने में भी लोग देखते हैं जो बिहार से लगाव रखते हैं, पटना से लगाव रखते हैं, पटना आते हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैसेज देना ही चाहेंगे उनको, कम से कम एक बार होटल में आके आजमाएं
और इसके बाद जो भी पहले भी किसी न किसी होटल में रहते होंगे, दोनों में कंपटीशन करें कि अच्छा कौन है। अगर अच्छा है तो मेरे यहाँ ज़रूर आप आइए और दोबारा आइए। और लोग आ भी रहे हैं, रिपीट पर रिपीट कस्टमर है, एक बार जो आ जाता है दोबारा किसी होटल में नहीं रुकता है। रॉयल्स जो रॉयल बिल्स जो है, ये अब क्या, अब इस क्या लगता है ये सफल होने के बाद क्या और इस फील्ड में एक और कदम बढ़ाएं? हाँ हाँ, मेरा कदम रुकेगा नहीं, मेरा कदम पाइपलाइन में 2-3 होटल का प्रोग्राम है। अच्छा। जो 1-2 महीना में काम शुरू होगा और हम चाह रहे हैं कि एक ग्रुप बनाएं, रॉयल माने रॉयल बिलिस ग्रुप, जो जिसमें सारी होटल का सुविधा माने हम लोग जोड़ें इसमें, और पाइपलाइन में 2-3 होटल है मेरे पास जो काम जल्दीबाजी में शुरू होगा। इसमें ये पटना ही इसको मेन सेंटर रखना चाह रहे हैं या फिर कहीं ना, अभी और भी? अभी तो फिलहाल पटना है, इसके बाद मेट्रो सिटी में रहेगा, पटना, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई। मेट्रो सिटी में भी लोग रॉयल बिल्स में, क्योंकि जहाँ भी जो यहाँ आता है सारे जगह से लोग आते हैं, एक ही टाउन से कोई आता नहीं है, हर जगह के लोग आते हैं, दूर से दूर माने कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के यहाँ आना जाना लगा रहता है, बराबर मूवमेंट रहता है। तो हर लोगों का एक चॉइस रहता है कि हर जगह का अपना सेंटर, एक होटल बनाइए जहाँ हम लोग का रहने में सुविधा होगा। क्या आपको इतना कम समय में, अगर आप ये कहना चाहेंगे, जो लोग अगर आपके यहाँ जुड़ते हैं या लोग फिर आते हैं, एक कस्टमर का रिलेशन होता है, तो क्या लग रहा है इस क्षेत्र में या ये आपके यहाँ अब कहीं ना कहीं अधिक हो रहा है, या फिर अभी भी जो है लोग, अभी भी आप नए हैं तो लोग कम आ रहे हैं, या फिर नए होने के बावजूद भी लोग अधिक आ रहे हैं? नहीं, मेन व्यवहार होता है, कस्टमर का उचित व्यवहार होना चाहिए, फैसिलिटी मिलना चाहिए, खाना पीना सर सफाई। कस्टमर तो यही देखता है, किसी भी होटल में हम लोग भी जाते हैं तो यही देखते हैं कि होटल साफ सुथरा है कि नहीं, स्टाफ का कैसा एक्टिविटी है, खाना पीना साफ सुथरा है कि नहीं है। तो सारे कस्टमर ये सब देखते हैं, जहाँ इन लोगों को अच्छा मिलता है वहाँ हर लोग जाना चाहता है। कुछ दिन पहले कुछ प्रोग्राम हुआ, उसके बारे में जानना चाहेंगे? कुछ प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम मेरे यहाँ तो बड़ा बड़ा 2-3 प्रोग्राम हुआ, जैसे राज्यपाल महोदय जी का प्रोग्राम यहाँ हुआ था, बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो गया। राज्यपाल महोदय जी यहाँ पर बहुत बढ़िया से रहे, नाश्ता जल जो भी होता है किए, उन्होंने कहा कि आपका होटल बड़ी साफ सफाई है, ठीक ठाक है, इसको मेंटेन करके रखिए। और दूसरे अभी हाल पे कजरी हुआ था, जिसमें मंत्री जी भी आए थे, जो खेलकूद मंत्री हैं, तो उन्होंने भी आया था, तमाम लोग आते हैं, बहुत तरह के कार्यक्रम यहाँ होते रहता है, शादी ब्याह बहुत तरह के मंत्री। आप लेकिन संतुष्ट हैं, जो आप जो किए हैं उसका आपको लगता है कि नहीं, हम जो किए हैं वो कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है? ना, बहुत हमको खुशी हुआ, बीच में तो थोड़ा सा हमको लगता था कि मैंने होटल रन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि पटना में होटल बहुत हो गया, लेकिन अब मैंने देख के लगता है कि इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। तो आप कह रहे हैं जो इसके बाद जो है, अब दिल्ली मुंबई की बात, हमने ये कस्टमर का डिमांड है, मेरे पास है कैपेसिटी है, हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हर टाउन में एक मेरा कम से कम होटल हो, जहाँ जो भी कस्टमर आए रॉयल विलेज छोड़ के कहीं किसी दूसरे होटल में नहीं जाए। तमाम तस्वीरें भी जो है लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर जो है दिख रही होगी आपके होटल की, तो लोगों से एक बार लास्ट में बोलना चाहेंगे, जो लोग आपके पास आए, आप तक पहुँचे, आप तक फंक्शन करवाएं, प्रोग्राम करवाएं, तो एज ए संस्थापक होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि हर लोग जो अगर चाहता है कि ना यहाँ पे प्रोग्राम है कराएं तो आके कराएं, उनको जो सुविधा चाहिए वो सुविधा दे देंगे, और बाकी जो डिस्काउंट चाहिए डिस्काउंट हम लोग देते हैं। इसमें अगर आप खास करके एक चीज़ और है, जहाँ जिसके अब बच्ची का शादी रहता है उसमें हम लोग आगे बढ़ चढ़ कर डिस्काउंट करा देते हैं। एक बड़ी पहल है, बड़ी बात है, मतलब अगर किसी की बेटी की शादी है तो आप डिस्काउंट, हाँ हाँ, वो उसके मर्जी पर छोड़ देते हैं कि जो आपको बुझाए पेमेंट कर दीजिएगा, हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो एक मिसाल भी है, हरे लोग जितने भी खास करके मेरे मोहल्ला के और बाहर से लोग आके अपने बच्ची का शादी करते हैं, जो गरीब है उनका भी हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, ऐसा नहीं है कि अमीर लोग ही होटल में शादी करते हैं। ये विचार आपको आया कहाँ से भाई, किसी की बच्ची की शादी है? ये सब संस्कार है, माता पिता का संस्कार है, भाई लोगों का संस्कार है, जिसके चलते हम लोग ये सब करते हैं भाई, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है ना। हमारे साथ होटल रॉयल बिल्स के GM सौरभ जी हैं। सौरभ जी, अगर लोग इंगेजमेंट करना चाह रहा हूँ या फिर आगे फंक्शन का दिन, काफ़ी सारा फंक्शन होने वाला है, तो इसके लिए आप लोग क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? इसके लिए फैसिलिटी दे रहे हैं क्या कि जैसे अभी ऑफ सीजन चल रहा है, ऑफ सीजन में होता क्या कि डिस्काउंट स्लैब हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं पिक सीजन के बिहाव। यदि अभी कोई यदि इंगेजमेंट हो गया, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, यदि इस टाइप का यदि कोई भी चीज़ आदमी यदि चाहेंगे प्लान करना, तो यहाँ बेझिझक आएँ और यहाँ जो है डिस्काउंट का लाभ लें। आगे फ्यूचर में कुछ और आप लोग कुछ? फ्यूचर में हम लोग एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, जो कि अपना जो रूफ टॉप है वहाँ, हाँ, रूफ टॉप है, जहाँ की स्मोकिंग जोन, नॉन स्मोकिंग जोन हर टाइप के रहेंगे, यंग जनरेशन के लिए भी उन लोग वहाँ सेल्फी वेल्फी टाइप का कुछ वहाँ बना रहे हैं। तो उस केस में होगा क्या कि जो भी लोकल क्राउड या यंग क्राउड रहेंगे वो आके वहाँ विजिट करेंगे और अपना
सकती है, कब तक शुरू हो जाएगा? ऑलमोस्ट मान के चलिए इस ईयर एंड में ये हम लोग चाह रहे हैं लाइव कर दें। मतलब जैसे जस्ट लाइक और जो हाइड आउट टाइप का या फिर अन टाइप का भी जो अच्छा भी रहेगा, उससे भी अच्छा रहेगा, जिसमें इंडियन कॉन्टिनेंटल थाई चाइनीज ये सारे डिशेज है वो उसमें रहेंगे। कभी कुछ मैच वगैरह हो जाए या फिर उस तरह से हो जाए, हाँ, वो भी एक अलग तरह का आयोजन करने वाले हैं। एकदम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हिडन रखा है हम लोगों ने, तो उस वक्त सरप्राइज लोगों के लिए ये रहेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ उस वक्त अवेलेबल रहेंगी। बात कर लें जो मान लीजिए अगर आपके यहाँ का फूडिंग की बात कर लें या फिर और भी चीज़ें बात कर लें, तो गेस्ट के लिए सबसे बेहतर पार्ट क्या है आपका? गेस्ट के लिए हमारे लिए हमारे साइड से बेहतर पार्ट ये है कि हम लोग इंडियन जो डिशेज जो है बेसिकली बिहार में जनरली लोग देखें इंडियन और चाइनीज़, ये दोनों पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो इंडियन चाइनीज़ आए खाएं। जो हम लोगों ने शेफ़ रखा है वो बेसिकली वो ITC हो गया, ताज हो गए, हयात हो गए, वहाँ से हम लोगों ने हायर करके लाया है और यहाँ उन्होंने वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए टेस्ट के लिए आपको ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा, चाहे वो इंडियन हो, चाइनीज़ हो, कॉन्टिनेंटल हो, थाई हो, ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा आपको। ये नहीं कि कोई एक ही बंदा है वो चाइनीज़ भी बना रहा है, इंडियन भी बना रहा है, कॉन्टिनेंटल भी बना रहा है, वो टेस्ट आपको सब डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट डिशेज़ के। तो चलिए बड़ी अच्छी बातें कही इन्होंने, जो तमाम कार्यक्रम तो इनके होते ही हैं, साथ ही अगर किसी अगर आपके यहाँ अगर किसी बच्ची की शादी है, अगर आप यहाँ करवाना चाहते हैं, यहाँ करते हैं, तो इन्होंने कहा जो वहाँ पर हम लोग डिस्काउंट भी देते हैं लोगों को, जो अगर आपको जो समझ में आए आप वो पेमेंट करिए। तो ऐसे में इनसे बात कर रहे थे, तमाम जो है बातें इन्होंने बताई। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट पर राय जरूर रखिए। सभी को सुनू के साथ अनसुझा IVTV पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।